पैम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि बेरोजगारी बढ़ रही है और लड़के लड़कियां जो हैं वो कवारे रह रहे हैं, आजकल शादी कर नहीं रहे हैं। और आज जो है इसके ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन की वजह हम आपको बताएं कि कल जो हमने खबर की थी, हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर लड़के लड़कियां जो अविवाहित हो रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं, तो उसमें नंबर वन आ गया है। और उसको लेकर आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने कई सारी वजहें बताई थी। एक वजह तो बेरोजगारी, दूसरा युवा नशे में लिप्त हैं, नशे कर रहे हैं, और तीसरा शादी ना करने का एक कारण ये भी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, घर से आ जाते हैं पढ़ने के लिए और उसके बाद ये बच्चे यहाँ पार्कों में घूम रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। और आज इसके ऊपर शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या विजन है, उनको क्या लगता है कि क्यों लड़के लड़कियां कवारे रह रहे हैं, क्यों शादी नहीं कर रहे हैं। एक वजह तो ये भी देखने को मिलती है कि पहले जो भी लड़के थे शादी करने से पहले वो अपना घर बना लेते थे, मकान तैयार कर लेते थे, उसके बाद शादी करते थे, हंसी खुशी से जीवन जीते थे। लेकिन आजकल घर बनाना मुश्किल हो गया है, पैसा आ नहीं रहा, और पैसा जब आ नहीं रहा तो फिर किया क्या जाए, तो इसके लिए जो है वो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए लोग जो है वो आजकल शादियां नहीं कर रहे हैं। और कहीं विश्वासघात भी हुआ है, विश्वास भी जो है इन लोगों का टूटा है, और वो स्क्रैप की पॉलिसी जो है वो ज्यादा अपनाते हुए दिख रहे हैं। क्या इस स्क्रैप की पॉलिसी में ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर का युवा ही कहीं ना कहीं स्क्रैप ना बन रहे हैं? बहुत ज्यादा युवा इस समय हताशा की स्थिति के अंदर है। स्क्रैप के साथ साथ हमें वो पद भी भरने होंगे जो बहुत सालों से हर विभाग के अंदर खाली है, और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सीरियस होकर, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है, अगर ये भटक गया तो देश हमारा कभी सुरक्षित नहीं जा सकता। आज युवा भटक चुका है, आज युवा आपराधिक मामलों की तरफ बढ़ रहा है, आज युवा निराश होकर बेरोजगारी के कारण नशे की तरफ बढ़ रहा है, आज युवा आतंकवादियों का जाल माया जाल के अंदर थम रहा है, जिसे हमें रोकना होगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, देश के युवाओं को बचाना होगा। उसको बचाने का एकमात्र तरीका है कि उसे बेरोजगारी से बाहर निकाला जाए। बेरोजगारी एक कारण है, कोई और भी है, विश्वासघात भी हो रहा है। देखिए, बेरोजगारी युवाओं के साथ बेरोजगारी पर लगाम लगाना ही सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें रोजगार दिया जाए। ये एक तरह का विश्वासघात ही है कि उनके साथ वादा कर भी, प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, देश के गृह मंत्री वादा करते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वादा करते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे पीछे भी देखोगे लगातार युवा यहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। जम्मू की कोई धरना प्रदर्शन स्थल ऐसा नहीं है जहां युवा जो है धरने पर नहीं बैठे, अपनी रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, सड़कों पर नहीं निकल रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि ये निराश युवा आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है, निराश युवा आपराधिक मामलों की तरफ बढ़ रहा है, ये निराश बेरोजगार युवा नशेखोरी की तरफ बढ़ रहा है। और वह जो जम्मू कश्मीर की शान हुआ करती थी, हमें देश का ताज कहा जाता था, आज हम बेरोजगारी में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं, भ्रष्टाचार में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं। और सबसे हंसाने वाला आंकड़ा है कि कुंवारेपन के अंदर भी जम्मू कश्मीर में युवा सबसे ज्यादा कुंवारे हैं, इसको लेकर भी जम्मू कश्मीर आज अव्वल नंबर पर है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, और साफ तौर पर निशाना जो कसा जा रहा है केंद्र सरकार और भाजपा में, क्या जो वादे थे उन्होंने उस पे खरे नहीं? देखिए, इस समय सत्ता पक्ष पर ही हमेशा निशाना खींचा जाता है। सत्ता में इस समय केंद्र के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी ही सत्ता के अंदर है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जब वह प्रधानमंत्री बने थे, अगर वो यादें की याद दिलाई जाए तो शायद जम्मू कश्मीर के, पूरे देश में इस समय बेरोजगारी बिल्कुल शून्य होनी चाहिए थी। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ यहां पर जो है रोजगार के अवसर दिए जाएंगे हर साल, तो 7 साल से ऊपर हो चुका है, उस हिसाब से 14-15 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था,
कई भर्ती अधिसूचनाएं जारी की गई थी, भर्ती अधिसूचनाएं पब्लिश की गई थी, युवाओं को रोजगार की एक उम्मीद बंधी थी, मगर वही भर्ती अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ जाती है या उनको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाता है। युवा पिछले 8-8, 10-10 सालों से जो रोजगार का इंतजार कर रहे थे, अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहे थे, इसमें बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका फिजिकल हो चुका है, जिनका रिटर्न हो चुका है, वह इंतजार कर रहे थे कि लिस्ट आउट होगी और उनका नाम आएगा, वह तमाम युवा आज निराशा की स्थिति में है। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कारण कवारे होने का, शादी ना करने का लड़के लड़कियों का, वो बेरोजगार हैं, उनको जॉब्स मिल नहीं रही और जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कई तथ्य हमने और भी रखे थे इस खबर के ऊपर, आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।